आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना ही पीछे, आज मैं ऊपर। आग लगा दी। सच में दोस्तों, आज मैं ऊपर हूँ और आसमान नीचे है। अभी मैं आ गई हूँ हिल्स ऑफ डांसिंग क्लाउड्स व्यू पॉइंट में। दोस्तों अभी मैं शिलोंग से चेरापुंजी यानी कि सुहारा जा रही थी और रास्ते में यह खूबसूरत सा व्यू पॉइंट मिल गया। यहाँ का लोकल जनजाति कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर गर्मियों के मौसम में बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और चेरापुंजी के क्लाउड्स यहाँ आकर अपनी डांसिंग कॉम्पिटिशन करते हैं। कुछ भी है ना मजेदार। दोस्तों इस व्लॉग को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मेघालय के ऊपर मेरे और दो वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। दोस्तों इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी चेरापुंजी की नौ कालिकाई फॉल्स, डैंथलिंग फॉल्स और साथ में दिखाऊंगी फेमस सेवन सिस्टर्स फॉल्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों यही है मेघों का राज्य मेघालय और अभी मैं खड़ी हूँ चेरापुंजी के ड्वानसिंग श्याम व्यू पॉइंट में। देखिए यहाँ पर दो पहाड़ एक होकर कैसे एक वी शेप्ड कैनियन का रूप ले लिया है। यह एक बहुत ही सुंदर सा इकोलॉजिकल पार्क है और साथ में यहाँ पर खाने पीने का भी सुव्यवस्था है। आप शिलोंग से चेरापुंजी जाने के समय यहाँ पर जरूर रुकिएगा। मेरा दावा है कि यह जगह आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए अब मैं जाऊंगी फेमस नौ कालिकाई फॉल्स देखने के लिए। दोस्तों नौ कालिकाई फॉल्स में आ चुकी हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। देखिए यह जगह बहुत ही सुंदर है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे काफी सारे दुकान हैं और खाने का छोटे छोटे दुकान है और साथ में एक सुंदर सा ढाबा भी है। आप चाहे तो यहाँ पर आकर लंच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घुघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे दुकान है जहाँ पर यहाँ की लोकल फल फ्रूट्स, लोकल हनी और यहाँ पर लोकल दालचीनी यानी कि सिनेमन बिक रहा है। देखिए ये एकदम ओरिजिनल सिनेमन है और ऊपर हल्दी पाउडर, ओरिजिनल बैक पेपर भी बिक रहा है। और देखिए यहाँ पर सूखे मछली का अचार भी बिक रहा है। अचार मिलेगा? अचार जो ये छे? हाँ जो ये छे। आले चार, एक बे तीन चार, ये क्या है? पाँच छ। इस मछली का अचार को यहाँ का लोकल लोग बहुत ही मजे से खाते हैं। दोस्तों मेरे सामने है नौ कालिकाई फॉल्स, देखिए कितना सुंदर है। नौ कालिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 1115 फीट। देखिए पानी कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और पानी नीचे जाकर एक सुंदर सा सी ग्रीन कलर का पूल बना दिया है। मुझे तो नीचे जाकर नहाने का मन कर रहा है। दोस्तों आपका क्या राय है, नीचे जाऊं? पागल औरत, तुझे अक्ल है? दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ डैंथलिंग फॉल्स में। देखिए कितना सुंदर है, पानी सीधे ऊपर से गिर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से देखने का मजा ही कुछ अलग है। इस धैंतलिन फॉल्स की एक स्पेशलिटी है कि पानी जहाँ से नीचे गिर रहा है आप वहीं से पानी को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या दोस्तों? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा सलाह है कि चेरापुंजी आने के समय आप इस फॉल्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब जाएंगे चेरापुंजी लोकल मार्केट देखने के लिए।
दोस्तों अभी मैं चेरापूंजी की लोकल मार्केट घूमने के लिए आई हूँ। देखिए आपको भी घुमा कर दिखाती हूँ। रुको जरा, सबर करो। देखिए यहाँ पर कटी हुई पोर्क की मीट बिक रहा है। देखिए यहाँ पर लोकल वेजिटेबल्स भी बिक रहा है। कितना फ्रेश है ना। देखिए ये सब ग्रीन अनियन है। यहाँ पर स्किन्ड चिकन बिकता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फिश भी मिलता है। देखिए ये सब मछली गुवाहाटी से आती है। मिल गया, यहाँ का जंगल के बेरीज, लोकली इसको सौफे कहते हैं। इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यहाँ का लोकल लोग इसको बहुत खाते हैं। दोस्तों ये ओरिजिनल जंगल का है हनी। देखिए दोस्तों इसको ऑरेंज हनी कहते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना, एकदम ओरिजिनल है जंगल का। दोस्तों ये वॉशिंग ब्रश है, इससे कपड़ा साफ करते हैं। देखिए और ये है नेचुरल अगरबत्ती। चलिए अब सेवन सिस्टर्स फॉल्स देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ सेवन सिस्टर फॉल्स देखने के लिए। यहाँ से सेवन फॉल्स एट ए टाइम दिखा जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम है सेवन सिस्टर फॉल्स। देखिए सेवन सिस्टर फॉल्स। दोस्तों इस फॉल्स को देखते देखते आज का ये व्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो रंगीतास किचन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे रंगीतास किचन पेज को फॉलो कर देना। पैसा ही पैसा होगा। सच में दोस्तों ऐसा सुंदरता भारत में ही दिखा जाता है।